टी20 वर्ल्ड कप का हुआ भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच काफी ज्यादा घातक और विस्फोटक मुकाबला। इस मुकाबले में भारतीय टीम के घातक विस्फोटक शेयर आप सभी को बता दें कि कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा और कप्तान हार्दिक पांड्या रविंद्र जडेजा ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा दिया। तो वहीं सूर्य कुमार यादव का भी तूफान देखने को मिला, ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर गदर मचा दिया और तोड़ दिया 480 साल पुराना रिकॉर्ड। जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह जो आज तक ना कर पाए हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा ने कर दिखाया। टी20 वर्ल्ड कप में यानी कि भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच एक यह वार्म अप मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर ऐतिहासिक पारी खेल डाली और पाकिस्तान की गेंदबाज और कप्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। भारत वर्सेस पाकिस्तान का मैच जब हुआ है, यह मैच कोई यह मुकाबला छोटा मोटा मुकाबला नहीं बल्कि आत्मविश्वास के ऊपर यानी कि आप सभी को बता दें जीत या हार का मतलब नहीं, यहां पर जी जान लगा करके खेला गया है। क्योंकि यहां पर एक मुकाबला इन दोनों के बीच अखाड़ा हो जाता है क्योंकि यहां भारत और पाकिस्तान के बीच एक इज्जत का सवाल होता है। भारतीय टीम जब जब पाकिस्तान के साथ मुकाबला खेली है, पाकिस्तान भारतीय टीम के साथ मुकाबला खेला है, यह मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक हुआ है। आप सभी को बता दें कि भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच काफी ज्यादा तूफानी विस्फोट मुकाबला खेला गया। जो मुकाबला इस वीडियो के माध्यम से हाईलाइट आपको पूरा का पूरा दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से विराट कोहली ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की, कप्तान रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने भी तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी से पाकिस्तान के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो वहीं सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह का भी तूफान देखने को मिला, एसएसवी जयसवाल ने भी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से एक गेंदबाज को जमकर धो दिया। आप सभी को पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट मुकाबला इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी यहां पर आप सभी को बता दें कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सबसे पहले बल्लेबाजी करने का न्योता हमारी भारतीय टीम को दे दिया। शायद बाबर आजम ने अपने लिए सही समझा कि यहां पर सबसे पहले हम गेंदबाजी चुनेंगे और भारतीय टीम को 100-200 रनों पर ढेर कर देंगे, लेकिन शायद ये बाबर आजम की सबसे बड़ी गलती और बेवकूफी निकली। आप सभी को बता दें कि बाबर आजम ने नहीं सोचा कि ये भूखे शेर इतनी ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। बाबर आजम की तरफ से सबसे पहले गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर तूफानी विस्फोटक गेंदबाज उतर गए, जहां पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा और एसएसवी जयसवाल तूफानी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए संकट मोचन बनकर कूद पड़े। कप्तान रोहित शर्मा ने पहले एक ओवर में शानदार तरीके से 2 कवर ड्राइव चौके और 2 आसमानी गगन चुमते छक्के ठोक दिए। कप्तान रोहित शर्मा का गुस्सा साथ में आसमान पर था और काफी तूफानी अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा काफी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है, उनको हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा इसीलिए नहीं कहा जाता है। हिटमैन ने मैदान पर आते ही चौके छक्के और छोके छक्के बरसाने शुरू कर दिए और पाकिस्तान के गेंदबाजों को धोने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तान के गेंदबाजों के पसीने छूटने लगे। पाकिस्तान के गेंदबाजों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खुद बाबर आजम से लेकर के गेंदबाज से लेकर के विकेटकीपर भी पाकिस्तान के हैरान और परेशान थे। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले ने मैदान पर तबाही मचा दी तो वहीं 21 साल का होनहार बल्लेबाज एसएसवी जयसवाल भी कहां किसी से पीछे जाने वाला था। इसने भी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और तीसरे ओवर की 6 गेंदों पर 2 चौके और शानदार एक गगन चुंबती छक्का ठोक दिया। एसएसवी जयसवाल और कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। एसएसवी जयसवाल काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे तो वहीं हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का गुस्सा साथ में आसमान पर था और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसा रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा ने 4th ओवर में शानदार तरीके से यहां पर बाबर आजम के घातक विस्फोटक गेंदबाज की धज्जियां उड़ाकर रख दी और शानदार 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए। बिल्कुल आईपीएल की तरह तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और चौके छक्के और छक्के चौके से बरसात कर रहे थे। तो वहीं यशस्वी जयसवाल भी तूफानी विस्फोटक अंदाज में डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां पर भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लग गया जब भारतीय टीम के घातक खुकार विस्फोटक बल्लेबाज 8वें ओवर की 6ठी बॉल पर आउट हो गए। यानी कि यशस्वी जयसवाल जब आउट हुए तो भारतीय टीम में सनसनी सी छा गई। यशस्वी जयसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी सी छा गई क्योंकि यशस्वी जयसवाल काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे और यहां पर 8 ओवर तक जाते आते यशस्वी जयसवाल 43 रन ठोक चुके थे, लेकिन फिर कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आ गया जिसका नाम था हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। भले चाहे आईपीएल में कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाया हो, लेकिन हार्दिक हार्दिक ही है। हार्दिक पांड्या ने मैदान पर आते ही छक्के से शुरुआत की और बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर कहर बरसाना शुरू कर दिया। 9वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने शानदार तरीके से 2 चौके और 1 आसमानी गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। हार्दिक पांड्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से चल रहा था, लेकिन हार्दिक पांड्या की जगह
यहाँ पर कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर बाबर आजम यानी कि पूरा का पूरा पाकिस्तान हैरान था। यहाँ पर हर कोई यही देख रहा था कि आखिरकार आज हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा को क्या हो गया है। यहाँ पर पाकिस्तान के गेंदबाज काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे। बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी तो चुन ली, लेकिन शायद बाबर आजम ने यह अपने लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक कर लिया। आप सभी को बता दें कि हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। तो वहीं घातक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या भी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। 11वें ओवर की 6 गेंदों पर घातक विस्फोटक कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा ने 5 छक्के लगातार ठोक दिए और एक ही ओवर में आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जो है 35 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को एक और काफी बड़ा झटका लग गया जब हार्दिक पांड्या जैसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी 51 रन ठोककर के आउट हो गए। 18वें ओवर की 4थी बॉल पर जब हार्दिक पांड्या आउट हुए, लेकिन फिर रोहित शर्मा का साथ देने के लिए मैदान पर एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली। विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान जिसने मैदान पर आते ही ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और आते ही मैदान पर सनसनी सी छाने लगी। यहाँ पर आप सभी को बता दें विराट कोहली को टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी और रन मशीन कहा जाता है। विराट कोहली ने आते ही पाकिस्तान के गेंदबाजों को धूल चटानी शुरू कर दी और तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। विराट कोहली का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरजने लगा। विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा ने मिलकर के ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। विराट कोहली ने 20वें ओवर की 6 गेंदों पर शानदार तरीके से 3 छक्के और 2 चौके ठोक दिए, जहां पर 21वें ओवर में घातक विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली ने 3 छक्के और 2 चौके फिर ठोक दिए। विराट कोहली का बल्ला मैदान पर रुकने का नाम नहीं ले रहा था और कप्तान रोहित शर्मा भी काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर विराट कोहली भी काफी देर तक हैरान रहे, क्योंकि विराट कोहली भी उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। धीरे धीरे 22 ओवर तक जाते जाते कप्तान रोहित शर्मा ने यहां पर 112 रन ठोक दिए, जहां पर खड़े होकर के स्टेडियम में रोहित शर्मा के फैंस जो रोहित शर्मा को सल्यूट ठोकने लगे। काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की, लेकिन भारतीय टीम को यहाँ पर काफी बड़ा झटका लग गया। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर बाबर आजम के तूफानी विस्फोटक घातक गेंदबाज ने जो है अपनी फिरकी से चालबाजी से यहाँ पर जो है हिटमैन कप्तान रोहित शर्मा को कैच आउट करा दिया, क्योंकि कप्तान रोहित शर्मा एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए, क्योंकि बॉल की ऊंचाई काफी ज्यादा थी जो स्टेडियम के भीतर रह गई, बाउंड्री लाइन के भीतर रह गई, जहां पर कप्तान रोहित शर्मा कैच आउट का सामना कर बैठे। जैसे ही हिटमैन आउट हुए, वैसे ही मैदान पर विराट कोहली का साथ देने के लिए एक ऐसा तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जो टीम इंडिया की शान है, 360 डिग्री का छक्का लगाने में मशहूर है। आप सभी को बता दें कोई और नहीं, सूर्य कुमार यादव है। सूर्य कुमार यादव वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है, जिसने मैदान पर आते ही चौके से शुरुआत की और काफी बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी से यहां पर 28वें ओवर में 3 चौके और 3 छक्के ठोक दिए। यहां पर विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी ने तबाही भरी बल्लेबाजी की और यहां पर पाकिस्तान के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा करके रख दी। विराट कोहली और यहां पर सूर्य कुमार यादव का बल्ला मैदान पर ताबड़तोड़ विस्फोटक तरीके से चलने लगा और तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन जब विराट कोहली 51 रन ठोक करके आउट हुए तो मैदान पर एक तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था रिंकू सिंह। रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है। रिंकू सिंह बल्लेबाजी में माहिर है, तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है। रिंकू सिंह महेंद्र सिंह की धोनी से जाना जाता है, क्योंकि रिंकू सिंह फिनिशर है और आते ही छक्के चौके से बरसात करता है। रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही आप सभी को बता दें कि यहां पर 41वें ओवर की 6 गेंदों पर 4 छक्के और 2 चौके ठोक दिए, जो काफी ज्यादा बेहतरीन विस्फोटक तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की, जहां पर तूफानी विस्फोटक अंदाज में पाकिस्तान के गेंदबाजों को धूल चटा दी और भारतीय टीम ने पाकिस्तान के सामने एक इतना बड़ा लक्ष्य खड़ा कर दिया जो पाकिस्तान की टीम कभी भी सोच नहीं सकती है। उस लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब पाकिस्तान की टीम उतरी तो हमारे घातक विस्फोटक जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी से मैदान पर कैर बरसा दिया और पाकिस्तान के एक एक गेंदबाज बल्लेबाज को धूल चटा दी, जहां पर भारतीय टीम ने इस मुकाबले को T20 वर्ल्ड कप के इस मुकाबले को बेहतरीन तरीके से जीत लिया। फिलहाल भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच यह वार्म अप मुकाबला था, रियल मुकाबला आगे चल करके होगा। बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। क्रिकेट से जुड़ी हुई जानकारी हाईलाइट वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।